हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज के क्लास में हम केस स्टडी का एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अभी आया था 2022 में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। मैं पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन, ध्यान से स्क्रीन पे देखना है सभी को। द म्यूनिसिपलिटी डिसाइड टू प्लांट ए फाउंटेन ऑन द रेक्टेंगुलर कॉर्नर ऑफ द पार्क। एक पार्क में फाउंटेन बनाती है म्यूनिसिपलिटी। द रेक्टेंगुलर कॉर्नर हैज डायमेंशन 50 बाई 40। ये समझना है कि जो पार्क है उसकी लेंथ और ब्रेथ 50 और 40 है। द फाउंटेन इज इन द मिडिल ऑफ द रेक्टेंगुलर। फाउंटेन बिल्कुल रेक्टेंगल के मिडिल में है, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पे होगा। एंड द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द फाउंटेन इज दिस। फाउंटेन के चारों तरफ इतनी ग्रास लगी हुई है, उसका एरिया इतना है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। 6 मीटर बाय 4 मीटर, इस तरह का आपको बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे और क्रोम पे मिल जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं होगा जहाँ पे 6 बाई 4 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे सभी। 6 मीटर बाय 4 मीटर ब्रॉड सीमेंटेड पाथ एट द एज ऑफ द फाउंटेन। ये फिगर थोड़ा रफ है, लेकिन इसमें सब देख सकते हो। यहाँ पे ये सीमेंटेड पाथ है जिसकी विड्थ है 6 मीटर। ये 6 मीटर ब्रॉड, 6 मीटर विड्थ इधर है और इधर की तरफ है 4 मीटर, और बाकी जो पोर्शन है ये वाला, ये सारा फिल विद वाटर, वाटर से भरा हुआ है। तो ये हमें पहले फिगर समझनी है ध्यान से। मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। कुछ इस तरह से हमने इसको समझा है, 50 मीटर बाय 4 मीटर का पूरा कंप्लीट पार्क है, उसमें ये फाउंटेन लगा हुआ है, ये फाउंटेन वाला पोर्शन है जिसमें सीमेंटेड पाथ, ये वाला जो सीमेंटेड पाथ है ये 6 मीटर ऐसे और 4 मीटर ऐसे, 6 बाई 4 ऐसे, और यहाँ पे वाटर है पूरे। तो आपको बताना है कि इसकी विड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है फाउंटेन की, और इसका वॉल्यूम, वो सॉरी, ये बताना कि कितने एरिया में पानी है, ये वाला एरिया कितना है ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एक्स है ये ले लेते हैं कि जो फाउंटेन है उसके बाद जो जगह बची है वो एक्स मीटर की है। यहाँ पे लेंथ एक्स है और ये ब्रेथ वाई होगी। ये दोनों तरफ से जो है एक्स मीटर इसकी विड्थ है। तो यहां पे लिख देते हैं लेट विथ आउटसाइड फाउंटेन, फाउंटेन के दोनों तरफ की जो विथ है वो एक्स मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ लेंथ ऑफ फाउंटेन, जो फाउंटेन है उसकी लेंथ कितनी हो गई, 50 माइनस, टोटल 50 है, दोनों तरफ से हम x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी 50 माइनस 2x, और विड्थ हो गई 40 माइनस 2x। जैसे हमने लेंथ को लिया ऐसे विड्थ को लेंगे, 40 माइनस 2x, ये हमारी इसकी विड्थ हो जाएगी। एरिया ऑफ ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास कितना है, ग्रास वाले एरिया 1184। तो हम पहले यही काम करेंगे, एरिया ऑफ ग्रास के लिए क्या करेंगे, पूरे फील्ड का एरिया 50 इंटू 40, पूरे पार्क का एरिया माइनस, उसमें से हम ये फाउंटेन का एरिया माइनस करेंगे, 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, और ये इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रास। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाउंटेन का एरिया मिल जाएगा। फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। 2000 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2000 प्लस 100x प्लस 80x माइनस 4x स्क्वायर, सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x स्क्वायर
-180x +1184। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके हमारा ये आ गया। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सभी को फैक्टर करने आते ही होंगे। तो यहां से हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक 37 और एक 8। 37 को हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे क्योंकि अगर x 37 होगा तो दोनों तरफ से 37 माइनस करने पे ये हमारा 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो x हमारा हो गया 8। इसका मतलब ये हुआ लेंथ ऑफ फाउंटेन 50 माइनस 2 × 8 34, और विड्थ कितनी हो गई 40 − 2 × 8 24। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फाउंटेन प्लांटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटी, लेंथ और ब्रेथ। अब उसने पूछा हाउ मच एरिया ऑफ द फाउंटेन हैज वाटर, कितने एरिया में पानी है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ फाउंटेन निकालेंगे विदाउट सीमेंटेड पाथ, या कह लो जहां पे पानी है वो वाला एरिया की लेंथ निकालेंगे, तो जाएगी 34 − 6, ये ऐसे है और 4 ऐसे है, तो लेंथ हमारी कितनी निकाली थी हमने, 34 में से 4 × 4, 4 ऐसे और 4 ऐसे माइनस कर देते हैं, 2 × 8, 2 × 4, 8 माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगा, और विड्थ कितनी आ जाएगी 24 − 2 × 6 12, यानी जो पानी वाला पोर्शन है उसकी लेंथ 28 और विड्थ कितनी हो जाएगी 12। तो एरिया ऑफ वाटर, जितने हिस्से में पानी है उसका एरिया होगा 28 × 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जहां पे हमने एरिया ऑफ वाटर निकाला है और लेंथ और ब्रेथ ऑफ फाउंटेन निकाली है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। ये इस क्वेश्चन में बहुत खास बात थी कि 6 m/4 m का यूज कैसे करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको केस स्टडी की प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी जहां पे आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।